अयोध्या विवाद पर सुनवाई टलने के फैसले पर बीजेपी नेताओं ने निराशा जता दी है। विवाद पर जनवरी तक सुनवाई टलने के बाद बीजेपी सांसद हरिओम पांडे ने कहा कि वो राम मंदिर को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के लोग जल्द से जल्द राम मंदिर विवाद को खत्म होते देखना चाहते हैं। विनय कटियार ने कहा कि हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। और रविशंकर प्रसाद राम अल्लाह के वकील भी थे अयोध्या में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आपको पता है, तो वहां से हम जीत चुके हैं, वहां फैसला हो चुका है, जो राम अल्लाह विद्यमान है जहां, वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। अब दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे गई, बाकी लोग भी गए, तो बहुतों की अपेक्षा जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। 3.5 लाख से अधिक लोग जहाँ मारे गए हों, बलिदान हो गए हों, उनके परिवारों की परीक्षा ली जा रही है। आखिर धैर्य भी धारण करने की कोई सीमा तो होती है। हमें भी अधिकार है कि कोई ऐसी बात है तो उसमें हम नया कानून ला सकते हैं, तो हमें अध्यादेश जारी करनी चाहिए। समझिए अब कि अयोध्या विवाद पर सुनवाई टलने के बाद बीजेपी सांसद ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी सांसद हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बताना चाहती है आपको कि वो राम मंदिर पर जन भावना के साथ है। बीजेपी सांसद संदेश दे रहे हैं कि सरकार कानून के दायरे में बंधी हुई है। बीजेपी सांसद बयान देकर मंदिर मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं, लोगों को शांत करना चाहते हैं। इधर अयोध्या विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर बड़ा विवाद हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राम मंदिर पर लोगों का सब्र टूटा तो कुछ भी हो सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मंदिर बनाने के लिए कोर्ट फैसला दे या सरकार अध्यादेश लाए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों को भड़का रही है। 125 करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र है, उनका सब्र टूट रहा है और मंदिर बननी चाहिए। अगर मंदिर नहीं बना, चाहे सरकार अध्यादेश लाए, चाहे कोर्ट फैसला दे, लेकिन अब इंतजार नहीं, अब इंतजार नहीं। Every 5 years before the election, the BJP will try to polarize views on Ram Mandir. The matter is before the Supreme Court. And everyone should wait. भारत की जनता को देश के संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। अब जरा ये भी समझ जाइए कि अयोध्या विवाद पर गिरिराज सिंह उग्र बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। गिरिराज जन भावना की बात कर राम मंदिर का विरोध करने वालों पर हमला बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। गिरिराज अपने उग्र बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं। विपक्ष गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बयान के हवाले से बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाता रहा है।